हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्रेडिट कार्ड का चार्ज कितना लगता है और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक क्रेडिट कार्ड को लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड का चार्ज कितना लगता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको एक क्रेडिट कार्ड का चार्ज कितना लगता है इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। दोस्तों, वैसे तो क्रेडिट कार्ड अनेकों बेनिफिट्स के साथ आता है, लेकिन इनके बेनिफिट्स का फायदा उठाने के लिए आपको कुछ चार्जेस भी देना होता है जो एक क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता से दूसरे क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता और एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड के लिए अलग अलग हो सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्रेडिट कार्ड का चार्ज कितना लगता है इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को देखने के बाद क्रेडिट कार्ड का चार्ज कितना लगता है इसके बारे में आप पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड लेने पर आपको किन किन चार्जेस का पेमेंट क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता को करना होता है। दोस्तों, जब भी आप एक क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपको ज्वाइनिंग फी के रूप में क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता को फी का पेमेंट करना होता है। दोस्तों, ये ज्वाइनिंग फी अलग अलग क्रेडिट कार्ड के लिए अलग अलग होता है। क्रेडिट कार्ड के लिए लगने वाला ज्वाइनिंग फी 500 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक हो सकता है। ये फी क्रेडिट कार्ड की नेचर पर निर्भर करता है। हालांकि अधिकांश क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता के द्वारा अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से एक फिक्स्ड अमाउंट खर्च करने पर ज्वाइनिंग फी को माफ कर दिया जाता है। दोस्तों, एक क्रेडिट कार्ड को लेने के बाद आपको हर साल अपने क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज को जारी रखने के लिए रिन्यूअल फी या एनुअल फी का पेमेंट भी करना होता है। ये फी ज्वाइनिंग फी के बराबर ही होता है, लेकिन अगर आप अपने कार्ड के माध्यम से एक साल में एक निश्चित अमाउंट को खर्च करते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड पर लगने वाला रिन्यूअल फी या एनुअल फी को माफ कर दिया जाता है। दोस्तों, अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं। आप जब चाहें भारत में स्थित किसी एटीएम या इंटरनेशनल एटीएम मशीन से आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं। इस कैश विड्रॉल पर आपको कैश एडवांस फी के रूप में पेमेंट करना होता है। ये फी निकाली गई अमाउंट का 2.5% तक होता है। ये एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड के लिए अलग अलग हो सकता है। दोस्तों, कैश एडवांस फी के अलावा आपको इस निकाली गई अमाउंट पर ब्याज भी देना होता है। ये ब्याज आपको हर दिन के हिसाब से जिस दिन से आप एटीएम के माध्यम से कैश विड्रॉ करते हैं और उस दिन तक जब आप इन पैसों को आप वापस नहीं लौटा देते हैं तब तक आपको देना होता है। दोस्तों, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट बैंक की सेलेक्टेड ब्रांचेज में जाकर करते हैं तो आपको इस पर कैश पेमेंट फी के रूप में आपको फी देना होता है। दोस्तों, ये फी एक बैंक से दूसरे बैंक के लिए अलग अलग हो सकता है। आमतौर पर आपको 250 रुपये तक का कैश पेमेंट फी देना पड़ सकता है। दोस्तों, एक क्रेडिट कार्ड आपको इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड का भी बेनिफिट प्रोवाइड करता है। इसके माध्यम से अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से कोई शॉपिंग करते हैं तो आप अगले 50 दिनों तक बिना किसी इंटरेस्ट का पेमेंट किए आप इंटरेस्ट फ्री पीरियड का आप बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हालांकि यहां पर ध्यान देने लायक बात यह है कि अगर आप 50 दिनों तक इस्तेमाल की गई अमाउंट को आप वापस नहीं लौटाते हैं तो 50 दिनों के बाद आपसे इस्तेमाल की गई अमाउंट पर इंटरेस्ट वसूला जाता है। दोस्तों, इसके अलावा आपको अपने कार्ड पर फिनांस चार्ज भी देना होता है। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड से किए गए सभी ट्रांजैक्शन पर लगने वाले मंथली इंटरेस्ट पर क्रेडिट कार्ड यूजर से फिनांस चार्ज के रूप में भी फी चार्ज की जाती है। दोस्तों, ये फिनांस चार्ज फी 3.5% मंथली के हिसाब से हो सकता है। दोस्तों, इसके अलावा आपको अपने क्रेडिट कार्ड पर लेट पेमेंट चार्ज भी देना होता है। दोस्तों, एक क्रेडिट कार्ड यूजर को लेट पेमेंट फी के रूप में भी फी का पेमेंट क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता को देना होता है। दोस्तों, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट पूरे तरीके से नहीं करते हैं तो आपको इस पर लेट पेमेंट चार्ज का पेमेंट करना होता है। दोस्तों, ये आपके पेमेंट की अमाउंट पर निर्भर करता है। आपकी पेमेंट की अमाउंट जितनी कम होगी आपको उतना कम लेट पेमेंट चार्ज देना होगा, जबकि अगर पेमेंट की अमाउंट ज़्यादा है तो आपको अधिक लेट पेमेंट चार्ज देना होगा। दोस्तों, इसके अलावा आपको अपने क्रेडिट कार्ड पर ओवर लिमिट फीस भी देना होता है। दोस्तों, कई क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता अपने कस्टमर्स को अपने क्रेडिट लिमिट से ओवर लिमिट विड्रॉल की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये ओवर लिमिट विड्रॉल की सर्विस फ्री नहीं होती है। इसके लिए आपको ओवर लिमिट फी के रूप में ओवर लिमिट विड्रॉल का 2.5% तक फी देना पड़ सकता है। दोस्तों, इसके अलावा आपको अपने क्रेडिट कार्ड पर पेमेंट डिसऑनर फी भी देना होता है।
दोस्तों आपसे पेमेंट डिसऑनर फी के रूप में भी चार्ज वसूला जाता है, यानी कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कहीं पेमेंट करते हैं और ये पेमेंट अगर अनसक्सेसफुल हो जाता है, जो कि आपके क्रेडिट कार्ड में उपलब्ध धनराशि के कम होने की वजह से होता है, तो आपको इस स्थिति में पेमेंट डिसऑनर फी का चार्ज आपको देना होता है। दोस्तों इसके अलावा आपको अपने क्रेडिट कार्ड पर फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन फी का भी आपको चार्ज देना पड़ सकता है। दोस्तों एक क्रेडिट कार्ड के माध्यम से फॉरेन करेंसी के ट्रांजेक्शन पर 3.5% तक का चार्ज आपको क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता को देना पड़ सकता है। दोस्तों इसके अलावा आपको अपने क्रेडिट कार्ड पर अन्य कुछ चार्जेस भी देने पड़ सकते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड रिप्लेसमेंट चार्जेस, चेक पेमेंट चार्जेस, डिटेल्ड रिकवरी चार्जेस इत्यादि अन्य चार्जेस आपको देने पड़ सकते हैं अगर आप इन सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं तब। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को क्रेडिट कार्ड का चार्ज कितना लगता है इसके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।